नमस्कार बच्चों, बेटा मैं आज आपको चैप्टर पार्ट दो कराने जा रही हूँ, शिक्षा बड़ी या धन। ये कुछ उसके कठिन शब्द हैं। शक्तिशाली का आधा है, इसलिए त पे छोटी की मात्रा इधर से लगी है। ठीक है, क्या ये शक्तिशाली व आधा है इसमें, कमे छोटे ऊ की मात्रा। व्याकुल प्रतीक्षा आशीर्वाद, आशीर्वाद को बहुत ध्यान से देखेंगे, व के ऊपर रहा है आशीर्वाद। दुर्भाग्य, इस पाठ में बेटा आपको ये बताया गया है कि सबसे बड़ा जो आपका धन है वो पैसा नहीं है, शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आप धन भी कमा सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, और शिक्षा को आपके कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता। तो एक राजा होता है, वो एक जंगल में से निकल रहा होता है, जा रहा होता है जंगल में से। तभी क्या होता है, आकाश में ना काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लग जाती है, बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। और उसके जो सारे सिपाही वगैरह थे वो भी सब उससे अलग हो जाते हैं राजा से। और फिर क्या होता है, बारिश के साथ साथ फिर अंधेरा भी होने लग जाता है। अब अंधेरा होने से क्या होता है कि राजा ना अपने महल का रास्ता भूल जाता है, और फिर वो भूख प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ जाता है। आप देख रहे ना, एक टीले पर बैठ जाता है। अब उसको भूख भी बहुत लग रही है, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर में तीन बच्चे आप देख रहे हैं, तीन बच्चे वहां से निकल रहे होते हैं। तो भूखा प्यासा राजा उन बच्चों से कहता है कि सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। राजा ने उन्हें बुलाया। जब बालक वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा, मैं बहुत भूखा प्यासा हूं। राजा ने उन बच्चों से जल और भोजन मांगा। ठीक है, तो बच्चों ने बड़े खुशी से बोला, हाँ 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 जरूर, हम जरूर आपको लेकर आएंगे आपके लिए भोजन और जल। बच्चे तुरंत भागे भागे गांव में गए और बड़े उत्साह और प्रेम से बच्चों के राजा के लिए उन्होंने खाना और जल लेकर के आए। तो राजा उनसे बड़ा खुश हुआ। अब राजा के पास, राजा तो कुछ भी कर सकता है ना, राजा के पास तो बहुत सारा पैसा होता है, राजा किसी की भी सहायता कर सकता है। तो राजा उन बच्चों से बहुत खुश हुआ और खुशी से उसने उनसे बोला कि आपको जो मुझसे चाहिए, जो भी आप सहायता मांगना चाहते हो मुझसे, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो उनमें से एक बच्चा बोला कि मुझे तो धन चाहिए, मैंने कभी दो टाइम का खाना नहीं खाया अच्छे से, मुझे सुंदर कपड़े चाहिए। और उसने राजा से धन मांगा, तो राजा ने उसे बहुत सारा धन दे दिया। अब दूसरा बच्चा भी, गरीब थे ना ये तीनों बच्चे, तो जो दूसरा बच्चा था उसने भी ऐसी ही चीज मांगी, उसने बड़ा सा बंगला घोड़ा गाड़ी मांगी। तो राजा ने उसको भी राजा ने बड़ी सी गाड़ी और बंगला खूब पैसा दे दिया। लेकिन जो तीसरा बच्चा था, अब आप ध्यान से सुनेंगे, जो तीसरा बच्चा था उसने पैसा नहीं मांगा, ना ही उसने आइसक्रीम चॉकलेट पिज्जा ये भी नहीं मांगा। उस तीसरे बच्चे ने क्या मांगा, उस तीसरे बच्चे ने पढ़ाई मांगी बेटा। उसने बहुत खुश हुआ वो बच्चा, और खुशी से उसने क्या कहा कि मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन जाऊं। मतलब वो बच्चा पढ़ना चाहता था। आप सोच सकते हैं, आपसे कभी कोई कुछ मांगने को कहे तो आप तो पिज्जा चॉकलेट ये मांगेंगे, है ना।
लेकिन इस बच्चे ने क्या मांगा, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। वो बच्चा पढ़ना चाहता था और पढ़ाई समाप्त होने के बाद अपनी देश की सेवा करना चाहता था। कितना अच्छा था ना ये बच्चा। और तीसरे बच्चे की इच्छा जानकर जो राजा था वो उसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसकी उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया और वो बच्चा भी वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। ठीक है बेटा। और फिर जब वो उसने की शिक्षा पूरी हुई तो वो राजा ने उसको अब मंत्री बना दिया। राजा मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, वह विद्वान था, बहुत विद्वान था। पूरे राजा और जो नगर के वासी थे वो सब उसका सम्मान करने, क्योंकि वो गरीब बच्चा था ना बेटा, गरीब बच्चा था, पढ़ लिख के एकदम इतना विद्वान बन गया तो सब उसका रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन क्या हो गया, दुर्भाग्य से जो जिस बच्चे ने धन मांगा था उसने बुद्धिमानी से धन का यूज नहीं कर पाया। वो उसका व्यापार में उसका सारा धन डूब गया और वो फिर से निर्धन हो गया, गरीब हो गया। निर्धन मतलब गरीब हो गया। और जो दूसरा था उसकी बंगला और गाड़ी भूकंप में टूट गए। इसलिए वो एक दिन राज दरबार में तीसरे मित्र के पास आए। तीसरा मित्र तो अब अमीर हो गया था क्योंकि वो मंत्री बन गया, उसके पास खूब पैसा भी था। तो उसने आके उन सब दोनों दोस्तों ने आके तीसरे दोस्त से क्या कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल करी। तो तीसरे दोस्त ने उनको क्या समझाया कि पैसा हमेशा धन आपके पास नहीं रहता, ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। धन आपको विद्वान और बड़ा नहीं बनाते। ठीक है।